ये देखो फुल तैयारी चल रही है इलेक्शन की। गाड़ियां खड़ी की क्योंकि यहाँ पे कल होने वाले हैं इलेक्शन। ठीक है, आरपीएम बैठने दिया करो, फिर चलाया करो गाड़ी। मम्मी सुंदर कांड या कथा है? सुंदर कांड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा वेंसडे, तो आज हमारा 65th डे आउट ऑफ 69 डेज चैलेंज का, मतलब 66, 67, 66, 69, सिर्फ 4 दिन रह गए, 4 डेज टू गो गाइस। यू कांट सी मी जॉन सीना, 4 डेज। देखो एक और सीन चल रहा है, सैटरडे को यानी 13th ऑफ मे को मम्मी पापा की है एनिवर्सरी, है ना, तो उसके लिए चल रही है प्रिपरेशन, क्योंकि उस दिन पड़ रहा है सैटरडे और उस दिन लेनी पड़ेगी अपन को छुट्टी। अब मैं आगे का सीन बताता हूँ, उसमें अब क्या क्या हो रहा है यार। मम्मी पापा वो भी करवा रहे हैं, क्या कहते हैं, कथा भी करवा रहे हैं, फिर भंडारा भी करवा रहे हैं। यार देखो भंडारा हो रहा है, अगर तुम लोगों को खाना खाना है, क्योंकि मतलब भंडारे का खाना एक तो मतलब वो प्रसाद होता है। एक मैं बता देता हूँ पहला रीज़न क्यों बुला रहा हूँ मैं आपको कि वो प्रसाद होता है। दूसरा, भंडारे का खाना हमेशा टेस्टी होता है, तुम सबको आना है तो यार यू आर कॉर्डली इनवाइटेड। मम्मी और कैसी तैयारी चल रही है? कैसी भी नहीं चल रही। सैटरडे को क्या है? सैटरडे को तेरा बर्थडे है। मेरा बर्थडे जून में आता है। सैटरडे को सुंदरकांड है, भंडारा है। भंडारा है, सुंदरकांड या कथा है? सुंदरकांड 10 बजे से लेके 2 बजे तक सुंदरकांड, 2:30 बजे भंडारा। दोपहर को 2:30 बजे कौन खाने आएगा? धूप में ही खाते हैं लोग, लंच टाइम यही होता है। हाँ, ये प्रभु इच्छा भंडारा, लोग तो धूप में खड़े होके खा लेते, तो धूप में के बात कर रहा। नहीं, धूप में ही। आपकी वजह से छुट्टी कर रहा हूँ मैं, पता है आपको, शनिवार की छुट्टी है। छुट्टी नहीं है, कर रहा हूँ मैं, छुट्टी है मेरी। चांद है क्या उस दिन में से? सुंदरकांड? नहीं, क्यों करवा रही हो ये? ऐसे ही भगवान का नाम लेने के लिए। झूठी एक नंबर की, तू झूठा। मम्मी इंसान इतना मतलब ही होता, मुझे नहीं पता था। प्रभु का नाम ले रहे हैं, जय सिया राम। अरे बता तो दे क्यों करवा रही है? जय सिया राम। मैं जल्दी बता क्यों करवा रही है? सुंदर कांड है, मेरे बेटे की छुट्टी है। यार मम्मी जल्दी बता क्यों करवा रही है? सुंदर कांड है, मेरे बेटे की सुंदर कांड है, और मेरे बेटे की छुट्टी है, पापा का मन है करवाने का। क्या आता 13 मई को? क्या आता तेरे? वो देख उठ गई भाभी, उठ गई, तेरे बच्चों की तरफ ट्रीट करती रहती। हमें भी पूछ लिया करो ऐसे, जब से भाभी आई है पता नहीं। कट 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 कट। ये है इनका लंच। सोतू एक नंबर की, सोतू राम है तू एक नंबर की, उससे ज्यादा तो तू सोती है, पता है तुझे? क्या अब क्या, अब तो कैमरे में आ गई तू। हाँ ले ले अंगड़ाई। बाय जूल्स। से किसी भले मानस ने मुझे एक बात बताई थी कि जब भी तुम गाड़ी स्टार्ट करो तो उसे थोड़ी देर खड़ा रहने दिया करो। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, तो ये आरपीएम ना इसे नीचे जाने दिया करो, सो दैट इंजन पे लोड ना पड़े और तुम्हारा इंजन भी फाइन रहे। जब अभी मैंने स्टार्ट करी थी तो ये थी यहाँ पे 2 पे, तो अब धीरे 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 धीरे, मतलब ज़्यादा भी नहीं, मुश्किल 40 से 50 या 55 सेकेंड लेती होगी यहाँ तक आने में। तो मैं कह रहा हूँ 1 मिनट पहली अगर तुम्हें कहीं जाना है तो इतना काम कर लिया करो, अगर तुम्हें अपनी गाड़ी का इंजन बचाना है तो।
ठीक है, आरपीएम बैठने दिया करो, फिर चलाया करो गाड़ी। देखो मैं तुम लोगों को कितनी अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, मुझे भी अंदर से गर्व फील होता है कि यार मुझे कितनी सारी नॉलेज है। तुम लोग भी ऐसे ट्रांसफर कर दिया करो, पर तुम क्या कमेंट करोगे, तुम्हारे तो उंगलियां दुखती होंगी है ना ये। चलो हाँ, पहले एक काम अपना, अरे बच गया, साइकिल वाले किसी ना किसी दिन तो पक्का ठुकेंगे मुझे लग रहा है ना। पहले अपना असला ले लेते हैं, अपनी कॉफी और अपनी जो चिंगम है वो खत्म हो गई है, तो पहले वो ले लेते हैं। इसलिए आज जिस वाले रूट से मैं प्रेफर कर रहा हूँ आना, थोड़ी सी आगे कर लो अंकल। अंकल तो यहीं बैठेंगे। सो गाइस, अपना असला आ चुका है एंड सेंट फ्रेश मैंने दो ही लिए हैं यार। पता है क्यों? अब मैं ज्यादा सेंट फ्रेश नहीं खाता, बिकॉज यार बहुत ज्यादा मीठी होती है। मैं तो एकदम जैसे इनटेक करता हूँ ना, जैसे एकदम रैप खोल के खाता हूँ, इतनी मीठी लगती है। मैन के अंकल हैप्पीडेंट दे दो आप इसकी जगह मुझे, क्योंकि उसमें कम शुगर होती है मेरे हिसाब से, कहते नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने दो ही ली यार। बाकी अपनी कॉफी तो आई गई है। आज हम बाइसेप्स करेंगे, फोरआर्म्स करेंगे एंड ट्राइसेप्स करेंगे, फोरआर्म्स करेंगे एंड बाइसेप्स करेंगे, ओके। एंड कोशिश करेंगे 45 मिनट में एक्सरसाइज खत्म हो जाए। टाइम हो रहा है 15:11 एंड मैक्स टू मैक्स 4:15 तक कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। सपोर्ट करना गाइस। 65th डे हमारा आउट ऑफ 69 डेज चैलेंज का, ओके। तो बस वर्कआउट कर लो, उसके बाद आपसे बातचीत करता हूँ मैं, अगर ठीक रहा तो। Still a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. डन विद एक्सरसाइज। टाइम हो रहा 4:25। मैंने जो प्रॉमिस करा था वो था 4:15 तक, बट पता नहीं कैसे रह गया, मिस कर गया यार वो चीज में। अब जब हाथ में तुम्हारे डंबल या रॉड होती है ना, तो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होती कि तुम उसे छोड़ के चले जाओ कहीं पे भी, है ना। तो तुम अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करते हो, तो ऑल तो बस एक एक्सरसाइज में लेट हो गया, बाकी तो काम सेट था। बाकी कल इलेक्शन है ना। अब पता नहीं तुम बीजेपी को जिताओगे या कांग्रेस को या फिर आम आदमी पार्टी को। अब मुझे जितना लग रहा है कि यूपी में या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में, या पर्सनल लेवल पे तो अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता मैं, पर जितना मुझे लग रहा है ना, वही आपको लग रहा है। जो आपको लग रहा है वो मुझे लग रहा है, जो सबको लग रहा है वही मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं, रिजल्ट पे डिपेंड करता है और कल की वोटिंग पे डिपेंड करता है कि कैसी जाएगी कैसी नहीं जाएगी। बाकी एक चीज तो थी यार, मतलब इतनी चहल पहल रहती थी ना जब जब मतलब वो रैली निकलती थी। अब इलेक्शन खत्म हो गए
और फिर से सुनसान हो जाएगा यार। चलो अपन जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं, फिर पोस्ट वर्कआउट लेते हैं एंड उसके बाद व्लॉग डालेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर लेट हूँ फिर मैं पढ़ाई करूँगा। ओके तो मोस्ट प्रोबेबली अब हम शायद शाम को मिलेंगे। ओके सी यू। नहीं मैं जी सकता नहीं भाई, टाइम हो गया अपना पैसे कमाने का एंड यहाँ से आई निकलने का। एक तो जब लाइट जल जाती है ना ये वाली, तो ऐसा लगता है सारा मोहल्ला हर कोई मुझे ही देख रहा है वीडियो बनाते हुए। ये डर थोड़ा सा रहता है यार, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ ना मैं, तुम्हें पता ही है। हाँ तो ओह सॉरी भूल गया था गियर में गाड़ी। हाँ तो अच्छा स्कूटी खड़ी है के पीछे, एक सेकंड बस गाड़ी निकाल लो फिर करते हैं बात। भाई ये देखो फुल तैयारी चल रही है इलेक्शन की, गाड़ी कम गाड़ियाँ खड़ी हैं क्योंकि यहाँ पे कल होने वाले हैं इलेक्शन, यहाँ पे डलेगी वोटिंग। हाँ, ठीक है डिपर मत मारे गाइस, कल है इलेक्शन 11 तारीख को, फाइनली 11 तारीख आ गई, कैंपेन खत्म हो गया इनका, लास्ट डे था कैंपेन का, आज तो नहीं कल ही था लास्ट डे, तो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी रैलीज निकल रही थी। बाकी देखते कल कौन जीतेगा यार, कल तो नहीं आएंगे रिजल्ट, शायद 13 को आएंगे। कल दल के 2-3 दिन काउंटिंग चलेगी, तो शायद 13 या 14 को आएंगे रिजल्ट, देखते कौन जीतता है, किसने कितना पैसा उड़ाया। वैसे तो दिखे ना थे ये, अब जरूर दिखे हैं रैलियों में। अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी खड़ा हो रहा है, इससे पहले कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं भाई कुछ पता हो तो बताओ। मम्मी कहती अच्छा ये कौन सा चुनाव चिन्ह आ गया मैंने कहा यार मम्मी आपने तो हद कर दी, इनके सामने मत बोल देना आप लोगों ने अभी भी नहीं बताया कि किसको वोट कर रहे हो, है ना। मैं यार देखो अगर तुम मुझसे पूछो ना, तो मुझे तो पता नहीं कि मैं कल वोट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज अपन को तो सोना होता है एंड शायद वोटिंग तो शाम तक चलती है ना यार, जो वोटिंग रेगुलर हो तो हमें याद भी रहे ना क्या स्केड्यूल होता है। स्केड्यूल हाँ नॉट शेड्यूल बेबी। एक सेकेंड ब्रो जस्ट गिव मी टाइम भाई, इतनी भीड़ हो जाती है क्या करें यार, एकदम सबर होता नहीं पीछे वालों को। ये देखो गाइस 2-2 लाख 10-10 लाख के कुत्ते, कुत्तों पे बड़ा इन्वेस्ट करते हैं लोग आजकल। डॉग्स इक्वल टू गोल्ड हो गया है क्या। बस कभी भी कहीं से भी आ जाती है, और ये बस आजकल तो ज्यादा दिखेंगी क्योंकि जिसकी भी ड्यूटी असाइन होगी इलेक्शन के लिए वो बस में ही ट्रेवल कर रहा होगा। आपको पता है कॉलेज टाइम्स में कॉलेज से भी बच्चे ले जाते थे एज अ इन्विजिलेटर तौर पे, और 500 रुपये देते थे एक दिन के, और बच्चे चले भी जाते थे क्योंकि कॉलेज में सब होते हैं गरीब एंड एक एक रुपए के लिए मरते थे। कहते नाइट ही बस एक ही दिन तो जाना है, 500 रुपये मिलेंगे तो 2-3 दिन मतलब 2-3 रातें हो जाती थी, 1500-2000 रुपये हो जाते थे, आके उड़ा देते थे। मैं नहीं गया था सॉरी यार, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आई होप आपको आज वेंसडे का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना यार। ओके एंड ऐसे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए एंड खाते पीते रहिए गाइस, खाया पिया करो यार, गर्मी बहुत हो रही है, शिकंजी पी लिया करो, नारियल पानी पी लिया करो, मुस्कुराते रहिए एंड देखते रहिए वन एंड ऑनली शोभित शर्मा व्लॉग्स। गुड नाइट, सी यू टुमारो, लव यू ऑल।